दिल्ली में कोविड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बहुत सारी कोशिशें सरकार केंद्र सरकार दिल्ली सरकार दोनों की तरफ से हो रही है दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर हमारे साथ हैं आप पे कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि आप सांसद हैं लेकिन आप दिल्ली में कम रहते हैं क्रिकेटर के तौर पर ज़्यादा दिखते हैं किस तरीके से आप देखते हैं इस समय दिल्ली में मैं कम रहता हूँ अगर मैं सात दिन मुंबई में कॉमेंट्री कर रहा था एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो हज़ारों लोग रोज़ खाना खाते हैं ना जो एयर प्योरीफायर लगते हैं जो शहीदों के बच्चे पढ़ते हैं जो कोविड सेंटर हम बनाते हैं वो मैं अपने पैसे से करता हूँ जनता के पैसे से टैक्स पेयर के पैसे से अपनी राजनीति नहीं चमकता तो उसके लिए ईमानदारी का पैसा कमाने से ही अगर आज मैं कमेंट्री नहीं करूँगा तो शायद वो हज़ारों लोग जिनके पेट में खाना जा रहा है ना एक रुपये में वो नहीं जा पाएगा मैं कम से कम लोगों जनता का की मेहनत का पैसा अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं लगाता ठीक है और जितना काम हमने अपने क्षेत्र में किया है ना पिछले दो साल में उसका मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दे दूँगा गाजीपुर लैंडफिल वो सारे काम बाद में क्योंकि अभी महामारी है महामारी में भी एक साल पहले साठ बेड का कोविड सेंटर खोला था हमने अपने ही पैसे से ठीक है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स हर तरीके की सुविधाएं थी एक टाई अप करवाना था मुख्यमंत्री जी ने और जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कल तक टाइप हो जाएगा एक साल होने को आया है कोई टाइप नहीं हुआ हैं और आप बात करते हैं कि मैं दिल्ली में नहीं रहता आपने छः साल में दिल्ली में रह के मुख्यमंत्री बन के क्या कर लिया कितने हॉस्पिटल खोल लिए कितने कॉलेजेस खोल लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर दिया चलो छः साल तो छोड़ो आपकी नियत ही नहीं है काम करने की पिछले एक साल में आपने कितने बेड्स इंक्रीज़ कर दिए आपको पता है ना कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ था कितना ऑक्सीजन का आपने स्टॉक रख लिया अपने पास छः सौ करोड़ रुपये खर्च किए हैं पिछले साल में आर टी आई में दिए कि छः करोड़ रुपये अपने आठ पे खर्च किए हैं छः करोड़ रुपए इस वक्त पे ये सवाल कौन पूछेगा तो ये क्या आपको लगता है क्या कि जिस समय एक महामारी है पैंडेमिक की सिचुएशन उस समय पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है जानबूझ करके आपको भी टारगेट किया जा रहा है या फिर आप भी अगर टारगेट करते तो दोनों तरफ से मिल करके काम करने का, का एक टीम भावना सवाल आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं कमेंट्री मैं दिल्ली में कम रहता हूं कमेंट्री करता हूं मैंने तो आपको उसका जवाब दे दिया कि अगर मैं हज़ारों लोगों को भूखा नहीं देख सकता ठीक है मैं साथ ही में जो शहीदों के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन की भी खर्चा मैं ही उठाता हूँ ठीक है कोविड सेंटर भी मैंने ही खोला मैंने तो आपको बता दिया कि मैं क्यों कमें, कमेंट्री करता हूँ सी साहब से एक सवाल पूछिए कि छः करोड़ रुपये जो अपने विज्ञापनों पर लगाए हैं उसका उसका क्या जवाब है उनके पास छः साल में उन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए हैं बड़े 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 आर्ट देते हैं बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उनके विधायक उठ के भी हर चीज़ जो उनका मन करता है वो बोलते हैं मीडिया को उनसे भी तो सवाल पूछना चाहिए मीडिया तो कोई उनसे सवाल नहीं पूछता कभी भी नहीं पूछता ये ये कभी नहीं पूछता कि भाई साहब छः साल में दिल्ली को क्या कर दिया पिछले जब कोविड के, के केसेस हुए थे माइग्रेंट लेबर आनंद विहार में सब दिल्ली छोड़ के जाना चाहते थे हम करोड़ों लोगों को राशन बांट चुके हैं इस बार वही स्थिति है कौन हज़ारों किलोमीटर चलना चाहता है जब उनको राशन मिल रहा हो जो जब उनके पेट में खाना जा रहा हो तो इसका जवाब आ... कि दिल्ली सरकार ने जो कोताही की है उसकी वजह से इस समय जो दिल्ली में इतना बड़ा एक तरीके का कहिए क्राइसिस है बेड नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसकी वजह नहीं है इस समय नहीं ये छः साल की इनका जो काम दिखा रहा है आपको कि जो इन्होंने छः साल में किया है ये तो बहुत बड़े बड़े विज्ञापन देते थे कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास कर दी है हमारे मोहल्ला क्लिनिक की जो स्टडी है वो यूएस में हो रही है हमने इतने बेड बढ़ा दिए हैं हमारे तो हमने किस तरीके से कोविड को संभाला है आज आप मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति बहुत नाजुक है तो जब बेड बढ़ा दिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा खर्च कर दिया तो फिर ये स्थिति ऐसे कैसे हो गई ये तो बताइए कि कितने कितने बेड बढ़ा दिए ये तो बताइए कितने हॉस्पिटल खोल दिए ये तो बताइए कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का आपने स्टॉक अपने पास रखा है एज अ बैकअप किसी का तो सवाल का जवाब देंगे मुझसे हमसे तो सारे सवाल पूछे जाते हैं हर तरीके के सवाल पूछे जाते हैं अपनी पी मशीनरी को एक्टिवेट भी कर देते हैं उनका इन जो हम सवाल पूछ रहे हैं जो आप सवाल उनसे कभी पूछेंगे तो उसका जवाब है उनके पास अच्छा एक अभी मीटिंग भी हुई आपकी उपराज्यपाल के साथ और सारे सांसद भी अब लगेंगे क्या देखें किस तरीके से जो ये जो अभी की स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए अब आप लोग किस तरीके से आगे काम करने के लिए एक टीम की तरह हम हर तरीके की कोशिश करें मैं ही नहीं सारे सांसद सारे विधायक और हम हर तरीके से काम करना चाहते हैं दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहते हैं वही नियत है लेकिन साथ में मिलके काम तो करिए जब बहुत छोटी सी चीज़ है जब 60 बेड का कोविड सेंटर खोला था उसका टाइप तो दिल्ली सरकार को ही करवाना है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हॉस्पिटल में वो मेरे हाथ में नहीं है वो सी एम साहब ही कराएंगे या डी एम कराएंगी अगर वो वो भी नहीं कराते तो इसमें सांसद क्या करेगा सांसद अपने पैसे से क्योंकि दो साल से तो हमारा एम पी फंड पी एम केयर में जा रहा है ना अपना पैसा खर्च करके अगर दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की सेवा करना चाहता है उसके बाद आप राजनीति करते हैं इस पर तो इस पर सांसद क्या करेगा टाइप तो हेडगेवार हॉस्पिटल से करवा सकते थे एक डॉक्टर और नर्स ही तो चाहिए थी कम से कम साठ लोगों को वहाँ पर ऑक्सीजन मिल सकती थी साठ लोगों को वहाँ पर कम से कम बेड मिल सकते थे वो तक आपने कराया नहीं और आप कहते हो हम मिल के काम नहीं करना चाहते